देखिए, आज मैं हमारे एक आध दो रिलेटिव आए थे, तो मैं सुबह मेला देख करके अपने रिलेटिव के साथ चला गया था टाडा वाटरफॉल, जो तुरकहा गांव विकास खंड लालगंज में पड़ता है। तो उस टाडा वाटरफॉल को मैं देखने के लिए वहां पर दोपहर में करीब 11:30-12 बजे के लगभग पहुंचा हूं। और जब मैं बिल्कुल वाटरफॉल के नीचे तक गया, जहाँ तक कोई आज तक नहीं गया था, मैं देखने गया था कि कैसे इसको पर्यटन की दृष्टि से अच्छा बनाया जा सकता है। और हमारे जितना स्टाफ था सब मना कर रहा है, तो उनके मना करने के बावजूद मैं अपने अर्दली के माध्यम से मैं नीचे तक गया। जब नीचे गया तो मैं देखा कि उस फाल के बिल्कुल नीचे स्तर पर 7 गोवंश जहाँ पानी गिर रहा था वहाँ से अपने को बचाते हुए कंदरा में छिपे हुए थे, और उसे चारों तरफ झाड़ियाँ थी। तो मुझे लगा कि ये जानवर जो है यहाँ कैसे आए करीब 15-20 फीट नीचे। तो मुझे अनुमान लगाया, फिर हमने एक आध दो चरवाए तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा साहब एक गिर गए हैं, ये जानवर गिर गए थे चरते वक्त, और तुरकहा गांव के हैं और ये 7-8 दिन से यहाँ पर हैं। तो मैं फिर टाडा फॉल, जो टाडा वाटरफॉल निरीक्षण के लिए गया था, तो मैं उसको छोड़ करके मैं उनके रेस्क्यू के सोचने लगा कि 7-8 दिन से हैं तो कैसे बचेंगे। तो मैं कुछ चरवाहों को बुलाया और फिर 3-4 नगर पालिका के अस्थाई कर्मचारी वहाँ हमको मिल गए। फिर उनसे हमने कुछ झाड़ियों को कटवाया और फिर रस्सा मंगवाया, क्योंकि वहीं से 3-4 किलोमीटर दूर हमारा टाडा फॉल स्थित निराश्रित पशु आश्रय स्थल था, तो वहाँ हमारे कर्मचारी थे 3-4 किलोमीटर दूर, तो उनको मैंने बुलवाया। फिर मैंने अपने अर्दली अपने गनर के माध्यम से उन जानवरों को 4-5 स्टेप में उनके चारों पैरों को बांध कर, उनके गले को बांध करके स्टेप बाई स्टेप उनको किसी तरह से हम ऊपर ले आ पाए हैं। और हमारे जो 7 गोवंश हैं वो बच गए हैं, सकुशल बच गए। और इस कार्य से मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम आज हमने रेस्क्यू लेकर, यदि मेरे 2-3 जगह मेरे हाथ में चोट भी लगी, मैंने ATS का इंजेक्शन भी लगवाया, लेकिन मुझे अति खुशी हुई कि रामनवमी के दिन आज मैंने कम से कम प्रयास करके, अपने स्टाफ और नगर पालिका के कर्मचारियों के प्रयास करके, जो जानवर 8 दिन से टाटा वाटरफॉल के नीचे जहाँ तलहटी थी वहाँ फंसे हुए थे, वो किसी कीमत पर निकल नहीं सकते थे, उनको हमने 4-5 स्टेप में उनके पैरों को, उनके गर्दन को बांध करके 4-5 लोगों के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप उठवा करके किसी तरह से बाहर किया, उनकी जान सुरक्षित हुई। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। और ऐसे लोगों को भी इसी तरह की गो सेवा करनी चाहिए, जहां हमारे निराश्रित बेसहारे जो निरीह असहाय जानवर हैं कहीं संकट में फंस जाएँ तो उनकी सहायता करनी चाहिए।